Hey beautiful soul, how are you doing? I hope you have been doing great. Friends, आज की हमारी रीडिंग का टाइटल है कि क्या आपके पर्सन खुद सामने से आकर सब कुछ ठीक करेंगे? अगर उन्होंने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया है तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स क्या एनर्जी देते हैं, क्या वो खुद वापस आके सब कुछ ठीक करेंगे. यूनिवर्स एंजल, डिवाइन, होली स्पिरिट, गार्जियन एंजल्स. ओ, एक्शन की एनर्जी आई है. वाह, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स और उसके नीचे किंग ऑफ कप्स. क्या बताऊं मैं, यहाँ पे कार्ड फ्लिप हो गया है. ओ, टू ऑफ पेंटिकल्स का है, नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. ओके, तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टाइटल क्या था कि क्या आपके पर्सन खुद आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन पहले थोड़ी और एनर्जी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? देखो, यहाँ पे ना टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. टू ऑफ पेंटिकल्स ना, आपके पर्सन ना पहले जगल कर रहे थे. हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में पहले कोई ऑप्शन था और वो जगल कर रहे थे और ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपके पास स्टे करे या आपसे मूव ऑन हो जाए. और हो सकता है कि इस वक्त आपकी भी एनर्जी यही है कि आपको भी पता नहीं कि आप इस पर्सन के साथ स्टे करें या मूव ऑन हो जाए. इक्वल गिव एंड टेक तो आपके रिलेशनशिप में था ही नहीं. देखिए फ्रेंड्स, और मिक्स्ड सिग्नल आपके पर्सन जरूर देते थे, बैलेंस नहीं था. क्योंकि ये बैलेंस ना होने की एनर्जी होती है. देखिए, इंसान है कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस ना होने की एनर्जी होती है. तो ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश, बैलेंस नहीं था लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है ये. फ्रेंड्स, क्या बताओ, बहुत इमोशनल है ये पर्सन. पता है, एक लॉयल पर्सन की एनर्जी होती है, मैच्योर पर्सन की एनर्जी होती है. किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, क्या बताऊं. ये ना इमोशनल पर्सन की एनर्जी होती है, ये कोई प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी नहीं होती. वैसे यस, ये है एनर्जी, लेकिन उस वक्त आपके पर्सन ना कोई क्रॉस रोड पे थे और वो चॉइस, उनके पास चॉइस थी लेकिन वो श्योर नहीं थे कि उनको आपके साथ रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए. जगल कर रहे थे ये पर्सन. वैसे ये ना, ये पर्सन कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे. यस, उस सिचुएशन से निकलने के लिए, निकलना इस पर्सन के लिए इजी नहीं था. क्योंकि ये पर्सन, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बाजू में, इसलिए मैं ये बताती हूँ. क्योंकि ये पर्सन ना, अगर उनके पास चॉइस थी, क्योंकि ये बहुत प्यार के, डीप कनेक्शन की एनर्जी होती है, बहुत प्यार. ऐसे पर्सन की एनर्जी जो आपके सिवा किसी के और के बारे में सोचता है, उन्हें आप ही चाहिए. लेकिन यहाँ पे उसके ही बाजू में टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, तो श्योर ये पर्सन कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे. उनके लिए इजी नहीं था वहां से निकलना, ठीक है? उन्हें रियलाइजेशन हुआ है सारी बातों का. अगर उन्हें खुश रहना है, अगर उन्हें पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, तो उन्हें एफर्ट्स करना ही होगा, उन्हें स्टेप अप होना ही पड़ेगा. जो भी वो चाहते हैं उसके लिए इस पर्सन को फाइट करना ही पड़ेगा. उन्हें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. प्यार करते हैं, बहुत चीजें चल रही है उसके, आपके पर्सन की लाइफ में, उसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज भी थे. देखो, ये कंफ्यूजन की भी एनर्जी होती है. क्योंकि क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब बहुत सारी चीजें चल रही होती ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? हो जाती है ऐसी सिचुएशन, इसमें इंसान का कोई ज्यादा दोष नहीं होता. हालात ऐसे होते हैं ना कि इंसान घबरा भी जाता है, कंफ्यूजन में भी आ जाता है और गलत डिसीजन भी ले लेता है. लेकिन जो आप डिजर्व करते हो ना, वो इस इंसान से, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको दिया है नहीं जो आप डिजर्व करते थे, अब तक की बात है, ठीक है? और हो सकता है कि दूसरी बातों को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, आपको प्रायोरिटी कम देते थे ये पर्सन. ऐसी एनर्जी भी होती है ये. लेकिन करंटली ये पर्सन ना कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं ताकि आपको मना सके. क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी ह्यूज एक्शन की एनर्जी होती है, एक मेजर एक्शन की एनर्जी होती है. ये क्या होती है पता है? ब्लॉकेजेस को हटाने की एनर्जी होती है. देखो, जो जमीन में गाड़े हुए जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वॉन्ड्स, उसे कैसे निकाल दिया, हवा में है, देखो एयर में है. मीन्स ब्लॉकेजेस को हटाने की एनर्जी होती है ईट ऑफ वैंड्स. जो भी, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थी, थर्ड पर्सन था, या कुछ भी था जो ऑब्स्टिकल बन के आपके रिलेशनशिप में थी, या आपके पर्सन उसकी वजह से होल्ड बैक कर रहे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, तो उस ब्लॉकेजेस को हटाने की एनर्जी होती है ईट ऑफ वैंड्स.
तो आप ना बहुत हर्ट हुए भी हो सकता है कि बहुत वेट भी किए आपके अपने इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट के लिए, लेकिन अब आपको ना उन्हें चेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इंटेंशनली उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ना इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, आपको ना उन्हें इजीली चांस देना नहीं चाहिए, लेट देम मेक एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 9 of Cups की एनर्जी आई है। पता है, आप एक ऐसी विश हो इस पर्सन के लिए जो पूरी हो चुकी हो। देखो, यहाँ पे ऑप्शन की एनर्जी है, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ आपकी ही पड़ी है, इसको कोई ऑप्शन की नहीं पड़ी है। 9 of Cups की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, एक ऐसी विश हर एक इंसान की लाइफ में विश होती है, जब हमारी विश पूरी हो जाती है तो उससे विश फुलफिलमेंट कहते हैं। 9 of Cups आप उनके लिए 9 of Cups हो, उनकी विश ऐसी विश हो जो पूरी हो चुकी है, बस एफर्ट्स करने बाकी है। ओके, मैं एकदम रियलाइज योर वर्थ, ठीक है, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आप इग्नोर करिए, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्यार दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान ना भाव भी खाते हैं, उन्हें इतनी पड़ी भी नहीं होती है। तो थोड़ा इग्नोर करना भी सीखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार केयर मत दिखाइए, इग्नोर कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आप भी अपने ऐसा ही सिनारियो दिखाइए उनको कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपने लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, आप अपने वर्क पे फोकस हो, अपने काम पे फोकस हो, अपने परिवार पे फोकस्ड हो, ऐसी एनर्जी लाइए, फिर देखे कैसे दौड़ के आ जाते हैं। प्यार है लेकिन है थोड़ी, लेकिन एक ही एनर्जी आई है, ऑप्शन की एनर्जी है, बाकी देखो ये 8 of Wands एक्शन की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, King of Cups लॉयल और लविंग पर्सन की एनर्जी, और ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखो बहुत प्यार करते हैं, देखिए इस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। देखो इसके नीचे भी हैंगमैन की एनर्जी आई, मैंने बताया ना कहीं पे स्टक थे, मैंने कहा कार्मिक सिचुएशन, मैंने वीडियो के बिगिनिंग में क्या कहा कि ये पर्सन को कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, तो ये भी इस पर्सन स्टक थे कोई सिचुएशन में। हमारा कर्मा होता है ना जो हमें पे करना होता है, लेकिन जब हमारा कर्मा पे हो जाता है ना तो जो भी सिचुएशन है ना वो अपने आप से ही नेचुरली ही हट जाती है सामने से, जब कर्मा पे हो जाता है ना पे ऑफ, ठीक है। तो अगर जो कोई थर्ड पार्टीज है अभी भी आपके कनेक्शन को अफेक्शन कर रही है, ओके, अगर आपके पर्सन ने कुछ बातें छुपाई भी है आपके, तो आपको भी सारी बातें पता तो चल जाएगी, क्योंकि 8 of Wands की एनर्जी आई है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आई है, ब्लॉकेजेस भी हटेगी, और ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये ऐसे पर्सन ना आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। देखो इमोशनल तो है, लेकिन एक ऐसे भी फैमिली या एक ऐसी रिलेशनशिप आपके साथ ये पर्सन चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, कुछ अच्छी फाइनेंशियल इनकम हो, जैसे घूमना फिरना, एक अच्छी हेल्दी लाइफ भी आपके साथ चाहती है ये पर्सन। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी एनर्जी आई है, यस प्यार करते हैं डेफिनेटली 110% करते हैं, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं आपके साथ, और आप उनकी एक ऐसी विश हो जो पूरी हो चुकी है, सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये ऑप्शन की बात जाने दो, ये तो क्या है कि मैंने बताया ना कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, आएंगे तो आप ही के पास, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर।